होलसम करते हैं, फिर आपको सारे जोन से हैं कंसेप्ट जोन से क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमें इसमें क्या दिया है, ये भी सेम है फर्स्ट सेकंड की तरह ही है। इसमें भी हमें बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इफ कोट एक्स इज इक्वल टू 3/4। और अब हमें बोला कि जो उनसे एक्स है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट ही बन रहा है, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया था कि टैन और जो उनसे कोट पॉजिटिव होते हैं, कैसे पता लगा मुझे, कि हम करते थे एड शुगर टू कॉफ़ी, एड शुगर टू कॉफ़ी करते थे, टी से टैन और कोट पड़ता था, मतलब टैन और कोट जो उनसे हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है, बस कर दो। अब हमें कोट एक्स की वैल्यू पता है कि 3/4 है, तो हम इजीली किसकी निकाल सकते हैं, टेन एक्स की निकाल सकते हैं, तो बस टेन एक्स की निकाल दो। टेन एक्स का किसके इक्वल होता है, 1/cotx के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोट एक्स की तो हमें वैल्यू पता है, कोट एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3/4 गिवन है, तो बस पुट कर दो, तो 1/3/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, तो बस वही आ गया यहाँ पे 4/3। देख लो PPT में नोट्स अवेलेबल हैं, आपको आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक तो फाइंड कर लिया, अब हमारी बची चार, ठीक है। अब आप देखो कि हमने चलो एक तो कर लिया कोट एक्स से टैन एक्स तो फाइंड कर लिया, अब हम किस क्या फाइंड करें, इजी से ज़्यादा इजी से क्या फाइंड हो जाएगा। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है जो क्या है कि सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है जो उनसे वो 1+tan² x के इक्वल होता है, समझ रहे हो, सिकेंड स्केयर एक्स होता है कि 1+tan² x के इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें से अगर इसमें अगर हम टेन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी सिकेंड एक्स की निकलेगी ना वैल्यू, सिंपल, तो बस कर दो। यहाँ पर हम टेन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4/3 निकाली, तो यहाँ पर हम 4/3 कर देंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे जैसे हम करते होते हैं, 4/3 का पहले स्क्वेयर कर दिया, यहाँ पे 1+16/9 इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर एक्स आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कर दो, 1+16/9 का एलसीएम करो तो क्या आएगा, 9+16/9, तो 9+16 किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है, तो 25/9 आ गया, ठीक है। तो बस लिख दो किसके इक्वल आया, 25/9 के, ठीक है। फिर से आप देखो कि जो 25/9 है वो हमारी वैल्यू किसकी आई है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स की आई है, लेकिन हमें चीज़ किसकी चाहिए, सीकेंड एक्स की चाहिए, तो हम सिंपल वैसे स्क्वेयर रूट कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो सेकेंड एक्स की वैल्यू किसकी आएगी, +-5/3 की आ जाएगी, ठीक है। और आप ये भी देखो कि हमें जो है एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो से टैन और कोट ही है जो उनसे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो सेकेंड एक्स पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, डायग्राम को देखो, थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं वो देखो, फिर आप बताओ कि सेकंड एक्स जोन सा है हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टैन और कोट जोन से पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड एक्स क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, तो सेकंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -5/3 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे जोन से हैं दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमने निकाल दिए, अब हमारे बच्चे हैं तीन। अब देखो वैसे ही सेम, अब हमें सेकेंड एक्स की वैल्यू पता है तो हम इजीली किसकी निकाल सकते हैं, कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बस कोस एक्स की वैल्यू निकाल दो, कोस एक्स की वैल्यू हमें पता है जोन सी है वो 1/sec(x) के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, -5/3 -5 1/-5/3, इसको हम अगर सही करके लिखें तो क्या बन जाएगा, 5/3, मतलब नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा, -5/-3/5 जोन सी है हमारी कोस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें कोस भी फाइंड हो गया, अब हमारा सिर्फ क्या बचा, साइन और कोसेकेंड बचा, और हमें ये भी पता है कि जो उनसे टेन एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के इक्वल होता है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिनसे टेन एक्स होता है वो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें टेन एक्स की वैल्यू भी पता है, साइन एक्स की भी वैल्यू पता है, तो हम सॉरी हमें टेन एक्स की वैल्यू भी पता है और कोस एक्स की वैल्यू भी पता है, तो हम टेन हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल, तो बस निकाल दो। टेन एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 4/3 थी, ठीक है, और कोस एक्स की वैल्यू क्या थी, हमारे पास -3/5 थी, तो बस निकाल दो। वैसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 4 बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 बाय 5 आ गया। अब जो कट हो रहा है आप इसको कट कर दो, जो कट नहीं हो रहा वो मत करो, जो कट हो रहा है 3 और 3 कट हो रहा है तो क्या बस और जो कुछ कट ही नहीं हो तो क्या आ गया माइनस 4 बाय 5 आ गया। ठीक है, माइनस 4 बाय 5 है। अब देखो हमारा जो उनसे एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो मतलब टेन और कोट ही होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बट साइन एक्स है तो साइन एक्स हमारा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ पर हमारे तो पहले ही नेगेटिव में रहा तो बस उनको उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जो से चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उनसे हमने फाइंड कर लिया, अब बचा सिर्फ एक जो उनका क्या रहता है कोसेकेंट। कोसेकेंट फाइंड करने का भी हमें पता है कैसे होता है कि कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1/ साइन एक्स के। ठीक है, तो बस 1/ साइन एक्स था तो साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो और उसमें से हम क्या करेंगे कोसेकेंट एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे हमारे पास आ गया था 1/ माइनस 4 बाय 5, हम इसको कैसे लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाय 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 बाय। ठीक है, होप है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बस आप क्या करना है फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी तो है आप सम सॉल्व कर पाओगे। इस सब में जो सा है हमने फॉर्मूला पुट किया था कौन सा 1+tan²x इज इक्वल टू secant²x। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया और हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी जो से फाइंड कर लिया वो भी एक्स जिसमें था हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो सा लाई कर रहा था।